हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में है श्रुति शर्मा। श्रुति आज देखो कितनी खुश लग रही है। श्रुति का एटीट्यूड इज ऑन अनदर लेवल टुडे एंड आई हैव अ रीजन फॉर इट। टेल मी व्हाट इज द रीजन। फाइनली आई हैव अ फोन जो कि तुम्हारे एप्पल आईफोन का killer phone. You must be joking. Well, I'm not joking, Dinesh. I have to be serious because I'm going to show you something very serious. Take a look at the new review of the OnePlus 3 phone which was just launched. फाइनली हमारे पास है द मच अवेटेड OnePlus 3 विद अस। जी हाँ, OnePlus के बाकी फोन्स के सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस सॉल्यूशन के साथ आती हैं, OnePlus 3 के साथ। जी हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स बाकी के मॉडल्स में थी वो सब रेक्टिफाई हो गई हैं इस फोन में, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीइंग कॉल्ड द फ्लैगशिप किलर फोन फ्रॉम OnePlus। तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड हाउ इट फेयर्स इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, देखते हैं इस रिव्यू में। ये है रिव्यू बॉक्स। जी हाँ, अ बॉक्स ऑफ OnePlus 3 दैट वाज कस्टमाइज्ड फॉर व्यू द रिव्यूअर्स। और जितना इसे अनबॉक्स करना एक्साइटिंग रहा, उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग था OnePlus 3 से रूबरू होना। पहली नजर में OnePlus 3 आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। डिजाइन के मामले में OnePlus 3 में पहले OnePlus सीरीज के मुकाबले काफी बदलाव किए गए हैं। एजेस को स्मूथ कर दिया गया है, सैंडस्टोन बैक को स्मूथ मेटल की लुक दे दी गई है, जस्ट लाइक HTC One M9 डिजाइन इन अ वे। और ओवरऑल डिजाइन आपको एक मिनिमलिस्टिक फील देता है, और इस फोन को पहली बार से ही होल्ड करना काफी प्लीजिंग एक्सपीरियंस रहा। जहां आजकल ज्यादातर कंपनी अब 5.1 और 5.3 इंचेस के स्क्रीन को ऑप्ट कर रही हैं, वही OnePlus 3 का स्क्रीन साइज 5.5 इंच है, और इसके बावजूद ये फोन काफी हैंडी और साथ ही काफी हल्का भी है। इसके स्क्रीन पर दिया है लेटेस्ट 2.5D गोरिल्ला ग्लास 4 जो स्क्रीन को काफी ब्राइट बनाता है। साथ ही होम बटन पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, एंड बिलीव यू मी, इट्स द फास्टेस्ट रिस्पॉन्सिंग स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। लेकिन अगर ये फोन के पीछे होता तो इट वुड हैव बीन मोर इजियर टू यूज इट। एक तरफ दिया गया है नोटिफिकेशन अलर्ट स्लाइडर विच मेक्स अ वेलकम रिटर्न, और टू स्टेज स्विच अलर्ट्स को म्यूट करने में काम आता है, as it's easy to use. Interestingly, OnePlus finally OnePlus 3 में लाया है NFC feature भी, which is a good move. और वहीं दूसरी तरफ दिया गया है power button और volume rocker. AMOLED screen OnePlus X पर कामयाब रही, और इसी के चलते OnePlus 3 में भी optic AMOLED screen दी है, जिसका resolution है 1920s to 1080 pixel. यानी display looks brilliant. And yes, one brilliant thing that you'll fancy are these covers also that you can buy for your OnePlus 3. बात करें परफॉर्मेंस की तो OnePlus 3 की परफॉर्मेंस काफी स्नैपी रही थैंक्स टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर। OnePlus इज राइजिंग आईब्रोज विद द एडिशन ऑफ 6GB ऑफ रैम, लेकिन फिर भी इट्स नॉट रियली द रियल वन एज इट्स लिमिटेड टू बी यूज्ड टिल 4GB ओनली। इसमें दी गई है 3000 mAh की बैटरी जो कि बिना चार्ज और ऑलमोस्ट क्वाइट एन एग्जॉस्टिव यूसेज के बाद 2 दिन चली, गिविंग इट सम रियल वर्क टू डू, benchmarks, photos, play music, videos and much more. और हमेशा की तरह इस बार भी OnePlus ने दिया है Type-C USB जो कि फास्ट चार्जिंग का काम तो करता है, लेकिन अगर आप अपना चार्जर कैरी करना भूल जाएं तो किसी और से बोरो नहीं कर सकते till the time they are also using the Type-C charging port. इसके साथ ही OnePlus ने दिया है डैश चार्जर फॉर मोर efficient use when you are on the move. और इससे फोन चार्ज होता है 1% से 100% तक, और वो भी एक ही घंटे के समय में। What's more, the OnePlus 3 stays IC cool throughout, so it's less stressful on the battery and more comfortable for you to hold. OnePlus 3 के कैमरा परफॉर्मेंस ने हमें काफी इंप्रेस किया। 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद 1.2 इंच सेंसर, HDR एंड एन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाज अ ट्रीट टू आवर आईज। हियर आर द रिजल्ट्स। हालांकि लो लाइट में कैमरा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, पर इट वाज बेटर देन क्वाइट अ मेनी। डे लाइट में भी कैमरा ने अच्छा परफॉर्म किया, और फोन के हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन एडेड टू द ब्यूटी ऑफ पिक्चर्स। हियर टेक अ लुक।
And also, selfie fans will be happy with the 8-megapixel camera above the screen. Here, see my selfies. OnePlus 3 cover karta hai Android ko in the Oxygen OS user interface, modifying the operating system slightly from Google's vision. जो कि ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है शेल्फ को पहले की तरह ही रखा गया है साथ ही इसका कस्टमाइजेशन काफी सिंपल रखा गया है इसमें दिया है 64GB ऑफ इंटरनल मेमोरी लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं होने के कारण ये एक्सपेंडेबल नहीं है व्हिच इज क्वाइट अ डाउनर हियर कंसीडरिंग दैट इट इज अ डुअल सिम फोन एंड नाउ द बेस्ट पार्ट फॉर दिस फोन वेल जस्ट गो बाय इट एज OnePlus का इनवाइट सिस्टम अब खत्म हो गया है सो यू आर ऑल बाय डिफॉल्ट इनवाइटेड टू बाय दिस फोन तो चलिए एक क्विक नजर डालते हैं इसके स्पेक्स पर बिट ऑफ वीकनेसेस इस फोन में ये भी है कि हाँ इसमें एक ही स्पीकर ग्रिल दिया गया है तो आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए साथ ही साथ कैमरा के ऑटो फोकस में थोड़ा ग्लिच लगा हमें लेकिन इट्स फेयरली फाइन लो लाइट में इमेजेस थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है बट दे आर मैनेजेबल और साथ ही साथ RGB जहाँ इनमें माइनस किया गया है उसकी जगह AMOLED देने की कोशिश की है द बेस्ट AMOLED डिस्प्ले पॉसिबल सो इट कवर्स अप मोर ऑर लेस द नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो जो नेगेटिव है बट उनको हटा के भी ये फोन ज़रूर एक फ्लैगशिप किलर फोन ज़रूर साबित हुआ है और इसकी कीमत जो कि है 27,999 में आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ऑलमोस्ट विद शाओमी's MI 5 if I've said